तो आज फाइनली नंबर आ गया है मुनार का। कोची का अपना वेरी ओन पिक्चरस्क्यू हिल स्टेशन, ट्री प्लांटेशंस, रेन एंड फॉग मे बी। तो चलिए बढ़ते हैं मुनार की तरफ। तो ये रास्ते में वाटरफॉल आए हैं, मेरे ख्याल से इसका नाम चिरियप्पा वाटरफॉल है, मैं कंफर्म करता हूँ। और ये ब्रिज है, यहाँ पे सब रुके हुए हैं। और अभी जो आपने देखा वो कुछ भी नहीं था, मासिक में चांस नहीं मिला था ना इतना पास जाने का, आज हो गया काम दोबारा। सो दिस अनदर वन हियर, अभी नकुल नेत्रा, सी ऑन योर राइट साइड विद पार्क एंड गो अहेड। Which one is this? वल्लारा वाटरफॉल्स। वल्लारा? Yeah. All right. जो नासिक की आपकी कमी थी वो यहाँ आके पूरी हो गई। वहाँ हमको वो देखने को नहीं मिला था ना, विहीर गांव वाला नहीं मिला था। और ये तो पास से ही देख लोगे आप। वाओ, ठीक है नेत्रा, बहुत सुंदर था वो तो, एकदम वो देखो बहुत पास था वो। इसका भी अच्छा वो है, फॉल अच्छा ही है। ठीक है रकुल, चले आगे। हो गया इसका इतना ही काम था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचू। ओके सर, सज्जू। सज्जू, कैन आई शूट इफ यू डोंट माइंड? यस, ऑलराइट, थैंक यू। यू कमिंग फ्रॉम सर? वी आर कमिंग फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा, सो एक्चुअली हमारा स्पाइस की गार्डन होता है सर। इधर मैं ना आपको सारा मसाला की पेड़ पौधा दिखाएगा। मसाला खाते हैं क्या? मसाला जो हम लोग देखते हैं ना पैकेट्स में, यहाँ पे वो दिखाई देगा आपको, वो प्लांट्स का पेड़ पौधा दिखाएगा, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, सब बता दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 20-25 मिनट का टाइम लगेगा मैडम जी। ये होने के बाद में ना हमारा एक दुकान रहेगा अंदर, आपको वहाँ से ऑर्गेनिक स्पाइसेस खरीदना मिलेगा। उससे अलावा काफी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम लोग बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा आप लोग। ठीक, सबसे पहले अपने जायफल जावित्री गरम मसाला में जो यूज़ करते हैं ना, मालूम है ना जायफल जावित्री है ना, आपका पीछे साइड में देखिए ये बड़ा ट्री जो है ना, ये जायफल का ही होता है। अच्छा, ये जायफल का है। हाँ, मैं आपको जायफल इसमें दिखाऊंगा, पर फिर यहाँ पर देख लीजिएगा सर, ये जायफल का पिक्चर है, मतलब ऐसा आएगा नींबू की तरह फल आएगा जायफल, ऐसा दिखता है। जायफल जब भी पक जाते हैं ना तभी अपने आप फट जाती है, और हमें इसके ऊपर छड़ने का बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। आए पकेगा तो उसके अंदर से ऐसे जायफल नीचे गिर जाता है, और इसके ऊपर का लाल कलर का छिलका जो इसे कवरिंग को बोलते हैं जावित्री बोलते हैं, गरम मसाला में जो जावित्री, ऊपर का लाल कलर का छिलका को बोलते हैं जावित्री बोलते हैं, और अंदर का काला कलर का बीज को जायफल बोलते हैं। और जायफल मतलब ये जो छोटा बच्चा लोग पेड़ के अंदर लूज मोशन बड़ा हुआ था, थोड़ा सा जायफल घिसने का, घीस के थोड़ा हनी के साथ में मिक्स करके खिलाने का, वैसा खिलाएंगे तो लूज मोशन बड़ा लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही लूज मोशन बड़ा बंद हो जाता है। लेकिन इंसोमनिया प्रॉब्लम सुना है ना? या हाँ, इंसोमनिया प्रॉब्लम ऐसा वाला कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो रात को सोने से पहले थोड़ा जायफल का पाउडर एक ग्लास दूध में मिक्स करके ले लेगा, अच्छा नींद मिलेगा। लेकिन रोज जायफल ऐसा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, बहुत गर्म हो, क्यों मालूम? गर्म नहीं, रोज इस्तेमाल करेगा तो पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, इसलिए ज्यादा यूज करने का नहीं। ठीक है, काली मिर्ची को बोलते हैं, ये देखो काली मिर्ची को बोलते हैं पापा, गरम मसाला की राजा बोलते हैं, घर की राजा कौन है पापा? ये काली मिर्ची को बोलते हैं गरम मसाला की राजा बोलते हैं, बेल होती है, क्लाइंबर होता है, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते ही। अच्छा, इट्स अ क्लाइंबर। इसमें क्लाइंबर, इट्स अ क्लाइंबर है ना, ये जब पक जाते हैं ना तब इसका कलर ऐसा लाल कलर हो जाती है। लाल टिंगू वाला मिर्ची को तोड़ कर हम लोग धूप में डाल के सुखाएगा, कॉफी का ट्री होती है। एक्चुअली केरला में है ना चार तरह का कॉफी रहेगा, रोबस्टा, अरबिका, सैंड्रोमा, लाइबेरिया बोलकर स्ट्रॉन्ग कॉफी जो रहेगा अरबिका कॉफी। अरबिका कॉफी का ट्री आपको यहाँ पर देखना मिलेगा। ये कॉफी जब पक जाते हैं ना तभी इसका कलर ऐसा ही लाल रंग होता है। इधर ऊपर लगे हुए हैं ये, और हम लोग बाहर से जो कॉफी लेते हैं ना, ब्रू, नेस्ले, नेस्कैफे, ऐसा वाला ब्रांच कंपनी वाला, कभी भी ऐसा वाला कॉफी लेने का समय उसका लेबल पर एक बार चेक करके देखो, उसमें मेंशन किया है वो 100% प्योर कॉफी नहीं है, उसके साथ में ना चिकोरी बोल के चीज मिक्स करके आ जाता है। चिकोरी मिक्स टू कॉफी आप लोग रोज पियेंगे तो धीरे धीरे कॉफी का आदत पड़ जाती है। ऊपर से चिकोरी मिक्स टू कॉफी अपन खरीद कर एयरटाइट कंटेनर के अंदर डाल के रखेगा तो जल्दी मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो जाएगा, जुड़ जाता है। ये देखो इधर, दिस इज कोकोआ, जिससे पीछे देख के गिरना मत, नीचे मत गिर जाना, ये इधर लगे हुए हैं, इसी से चॉकलेट बनता है। हाँ, पकने की बात ऐसा फील आ रही है। रबर,
गाड़ी का टायर टीयर स्लिपर वगैरह बनाते ना, देखो ये सभी के चीज बनने के लिए यूज करेगा। एक्चुअली अंकल बताएंगे, इसी लकड़ी का चाल को काटना होता है, काटेंगे तो उसमें से सफेद कलर की लैक्टेक्स बाहर आ जाता है, उसी वाला वो इसमें जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, बाद में उसी को प्रोसेसिंग करके हम लोग गाड़ी का टायर रबर बनता है, इससे रबर ट्री यही है, रेसर वाला यूज करते ना स्कूल में, सभी चीज बनता है इसमें, रबर बनता है इससे, नहीं 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 रबर 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 जो टायर अपना कार का टायर तुम्हारा इरेजर जितने भी रबर प्रोडक्ट है वो लेटेक्स इसमें आ जाते हैं। रबर बैंड देखा हो नहीं, रबर बैंड सभी चीज बनने के लिए यूज़ इसमें से आती है। हल्दी आ गए, हल्दी ये हल्दी का प्लांट, ये देखा था वहाँ पे चाचा के वहाँ भी था, ये हल्दी का प्लांट, ये हल्दी का प्लांट मिट्टी के अंदर से निकालते हैं। हल्दी ब्रेन बूस्टर, इट्स एन इंप्रूव मेमोरी आईसाइट कंसंट्रेशन एंड एवरीथिंग, मेमोरी बढ़ जाएगी तेरी, मेमोरी सब बढ़ जाएगी, ऑल द टेबल्स यू विल रिमेंबर टिल 20। सर दिस वन इज प्रन नहीं, इसमें से पाउडर फॉर मेडिसिन बनाएगा बच्चा लोग के लिए, इसका पाउडर आधा चम्मच दूध में मिक्स करके देंगे तो सबसे बढ़िया चीज रहेगा, दिमाग की आता है संगों का रोशनी सब तेज करने के लिए। ये देखो इधर से निकलते आते, देखो बेटा जिंजर, देखो जिंजर ये देखो यहाँ निकला हुआ है, रुद्राक्ष निकलता है, नकुल नेत्रा ये देखो ऊपर, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़ उसमें से निकलता है, रुद्राक्ष देखो अंदर लगाओ नकुल, हाथ लगा धीरे से, हाथ लगा के देखो, छुई मुई टच मी नॉट, थोड़ा आगे जाके जा, वो दूसरा ऊपर लगाओ ना, अरे बेटा ये देखो, ये देखो ये हाथ लगाया, ये देखो वो देखो ऐसे बंद हो गया, ऐसे किया बंद हो गया, देख इधर देख नेत्रा, ये देख ऐसे हाथ लगाऊंगा बंद हो जाएगा, बंद हो गया देख। एंड यहाँ पर देखिए सर, ये वाला वाइल्ड फैक्ट्री बोलते हैं, वाइल्ड फैक्ट्री नहीं तो इंडियन फैक्ट्री बोलते हैं, इंडियन जी जी जी, ये जो ड्राई फ्रूट्स वाला हम लोग दुकान में जाके लेते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट्स वाला इसमें से नहीं बना, उसके लिए अलग ट्री होती है, ये वाइल्ड फैक्ट्री होती है, इसका फल जब पक जाते हैं तब तोड़ कर खा सकते हैं, मीठा टेस्ट रहेगा, इतना ज़्यादा मीठा नहीं रहेगा, लाइट मीठा ही रहेगा, और ये बच्चा लोग का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये वाइल्ड फिक अश्वगंधा और अलग अलग फ्रूट ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्स करके च्यवनप्राश की जैसे मेडिसिन बनाई जाती है। ये लो जी, ये छोटी इलायची का पेड़ आ गया, ये वाला, ये पूरा इलायची का प्लांट होती है और इसमें लगी हुई इलायची नीचे ही, ऊपर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ये इलायची है, वो इलायची हरी वाली इलायची, सुखाएंगे तो सूखने की बात सॉरी हरा कलर पे रहेगा, छोटा इलायची हरा इलायची, 100 किलो कच्चा इलायची को ट्राई करेंगे तो ट्राई होने के बाद उसमें से केवल 20 किलो रिटेन मिल जाता है। ओके 100 किलो में से 20% ओनली है। ये इसके इन्होंने स्ट्रैप अभी लूज हो गए थे नकुल, सो वी हैव टू बी केयरफुल, उधर वो पैर रखने की जगह है, जैसा वो बताएंगे वैसे करना। रुजी अर्पित पीछे हो जा, उसको जाने दे, हां मैडम मैडम हो गया नकुल, नेत्रा आगे देखो पकड़ के रखना, जैसे ग्रिप नहीं छोड़ना। हाँ जी कैसी रही गाड़ी आपकी, और देखो हाथ में रहा, हाथ गाड़ी के लिए बढ़ रहा है, ठीक था नेत्रा, गुड स्माइल, ओके हियर वी गो, पीपल इन टी प्लांटेशन, वो देखो काम कर रहे हैं नीचे आराम से, आगे ज्यादा संभाल के जाना, इधर आ बेटा, ये इधर से शुरू हो गया, देखो ये आपके नीचे ही यहाँ पे, वो देखो ये आंटी, देखो वहाँ पे वो आंटी तोड़ रही है वहाँ पे, देखो पत्ते तोड़ के उसमें डाल रही है, दिस इज योर ट्री प्लांटेशन एंड यहाँ पे देखो नीचे ये ट्री प्लांट्स है, ठीक है टी प्लांट बी केयरफुल, और ये है आपका वो जो देखा था ना हमने रिसोर्ट, दिस इज द वन, ये जो है ना आपका ये सामने एस्टेट है, ये टाटा का है, बेसिकली चाय यहीं उगती है, कंपनीज अपना अपना जो है मतलब कि एस्टेट लेके जो भी जहाँ से लेके अपना नाम लगाते हैं, ये देख टाटा, ये देखा हुआ आगे ये लिखा हुआ है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पुलिवसल एस्टेट, तो जो टाटा की चाय पीते हो ना टाटा प्रीमियम, वो सब शायद दार्जिलिंग से भी आती है और इधर से मुन्नार से भी आती है, ये टाटा का अपना पल्लीवसल फैक्ट्री जो है ये रहा टाटा का, यहाँ से ये इनकी जो टाटा की जो है टी एस्टेट से यहाँ चाय आती है और यहाँ फैक्ट्री में चाय प्रोसेस करके जो भी है वो यहाँ बनती है पैकेजिंग, वो सब
नीचे नहीं है, ये है KTDC नकुल को सब नकुल टी काउंटी बच्चों का भी वो है, अपना प्ले ग्राउंड भी है. We'll do that, everything, step by step. Now you've reached, check into your room, relax, do whatever you want, go around. तो ये हम फाइनली पहुंच गए हैं मुन्नार और हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है. ये है KTDC का टी काउंटी और ये है कुछ मुन्नार का इस समय का हाल. चारों तरफ धुंध, सामने वो सड़क और ये जो होटल है ये प्रॉपर मुन्नार सिटी के अंदर ही है, मुन्नार टाउन में ही है. इससे पहले भी कई जगह हैं, जैसे कई जगह बीच में आई थी, एक आंचल और एक और जगह आई थी, वहाँ भी काफ़ी अपना प्रॉपर्टीज थी, बट दिस वन इज़ लोकेटेड राइट इन द सिटी. नकुल और नेत्रा जो थोड़ी देर पहले तक स्विमिंग पूल ढूंढ रहे थे, वो इस समय ये हालत है इनकी. ये स्विमिंग करने आए थे, ये सोच रहे थे ये स्विमिंग करेंगे यहाँ आके, है ना. नकुल सोच रहा था.